बुक माय शो जूकबॉक्स प्रस्तुत करता है फैंटम पांडे। एक रेस्टोरेंट में चाय पीते हुए मुझे एक शख्स मिला, एडवोकेट रमेश तनीजा, जो दिन के 12:30 बजे टल्ली था। मुझे पहचाना उसने न जाने कैसे और मुझसे रिक्वेस्ट की रोते हुए कि मैं उसकी वाइफ को ढूंढ दूं, जो कि एक हफ्ते से मिसिंग थी। लोकल पुलिस स्टेशन पे चेक करके पता चला कि मिसिंग रिपोर्ट पर कार्रवाई अपनी स्पीड से चल रही है और अगर तनेजा कुछ रिश्वत देता तो काम तेजी से होता। जिस कॉलोनी में तनेजा रहता है वहां की धोबन से बात करके पता चला कि तनेजा की बीवी बड़ी पढ़ी लिखी थी और लाइफ में नौकरी करना चाहती थी, लेकिन तनेजा ने कभी करने नहीं दी। तो धोबन के अनुसार तनेजा की बीवी भाग गई थी। पुलिस हवलदार ने भी यही कहा था कि आजकल की औरतें जरा आजाद ख्याल होती हैं और एक ही रिश्ते में जिंदगी बिताना पसंद नहीं करती। मैंने अपने असिस्टेंट मुकंदी को दिल्ली हाई कोर्ट भेजा था तनेजा के बारे में पूछताछ करने के लिए और उसे वहां ये पता चला कि 3 महीने पहले तक तनेजा का अपने एक जूनियर लॉयर के साथ अफेयर चल रहा था। तो क्या तनेजा की वाइफ इस अफेयर के बारे में जान गई थी और इस वजह से नाराज होकर घर छोड़कर चली गई? मैं जब तनेजा से बात करने उसके घर के दरवाजे के पास पहुंचा तो एक अनजान शख्स जो कि तनेजा के घर की डोरबेल बजा रहा था मुझे देखकर हड़बड़ाया और मुझे धक्का देकर भाग गया। मैंने फिर तनेजा के घर का मेन डोर खुला पाया और अंदर घुसते ही तनेजा को सोफे पर औंधा पड़ा पाया और मेरे जोर से बुलाने पर भी कोई हरकत नहीं थी। आप सुन रहे हैं फैंटम पांडे का दिलचस्प केस मासूम मौत का दूसरा भाग। मैं घबरा गया था। तनेजा के पास जाकर उसे छूते हुए मैंने इसको हिलाया, तनेजा जी, वकील साहब। और चौंकते हुए तनेजा ने अपना एक हाथ मेरी तरफ फेंका मुझे दूर करने के लिए। मेरी सांस में सांस आई। तनेजा जी, आप बेहोश थे या सो रहे थे? कौन? मैं, फैंटम पांडे, प्राइवेट डिटेक्टिव। कुछ याद आया? तनेजा अब किसी तरह खड़ा हुआ और मेरी तरफ घूरते हुए बोला, हाँ भाई, कुछ नहीं भूला मैं, याद है, बैठो। सॉरी, कुछ ज्यादा पी ली और बैठो बैठो, मैं जरा मुंह धोकर आता हूँ। आपका मेन डोर खुला था? हाँ, वो नशे में बस दरवाजे की कुंडी लगाना भूल गया हूँ। तनेजा अंदर गया मुंह धोने और मैं मेन रूम चेकआउट करने लगा। एक वॉल पर सुंदर पेंटिंग लटक रही थी, दूसरी वॉल पर शायद तनेजा की माताजी ही होंगी, उनकी तस्वीर जिस पर सैंडलवुड का हार पड़ा हुआ था। साइड टेबल पर कुछ तस्वीरें सजी हुई थी, तनेजा, उसकी वाइफ राधिका और उनकी बेटी की। मैंने आगे बढ़कर घर के अंदर झांका तो एल्कोव था, उसमें एक डाइनिंग टेबल रखी हुई थी और ओपन किचन, और जहां किचन होना चाहिए था वहां एक लॉक्ड दरवाजा। सामने अगल बगल 2 कमरे थे और तनेजा राइट साइड वाले रूम के बाथरूम में था। पहले टॉयलेट फ्लश की आवाज आई और फिर नल से पानी बहने की आवाज आने लगी। मैं ड्राइंग रूम में आकर एक सेटी पर बैठ गया। सेटी के बगल में एक राइटिंग टेबल थी जिस पर वकील साहब के कागज वगैरह पड़े थे और कुछ केस फाइल्स। तभी तनेजा लौटा, उसने एक टी शर्ट और ट्रैक पैंट पहनी हुई थी, बाल गीले थे, पीछे को किए हुए। भाई, सवेरे के लिए माफी चाहता हूं अगर पिए हुए मैंने कोई बकवास कर दी हो, लेकिन इतना याद है कि मैंने तुम्हें पहचान लिया था और तुमसे अपनी वाइफ को ढूंढने की रिक्वेस्ट की थी, की थी ना? जी, लेकिन आपने मुझे पहचाना कैसे? लास्ट ईयर तुम्हें एडवोकेट सतीश मेहरा जी की पार्टी में मैंने देखा था और किसी ने मुझे बताया था कि तुम फैंटम पांडे हो, एक प्राइवेट डिटेक्टिव। भाई, चमक थी तुम्हें। जी हाँ, वो एडवोकेट मेहरा साहब की बेटी मेरी फ्रेंड है। एनीवे, पहले आप मुझे ये बताइए, क्या आपकी वाइफ अपना कुछ सामान लेकर गई है घर से, कपड़े वगैरह और सबसे इम्पोर्टेंट अपना पासपोर्ट? पासपोर्ट तो होगा ना उनका? हाँ है।
और वो घर के सेफ में सेफ पड़ा है। राधिका कुछ लेकर नहीं गई, यहां तक कि अपने पर्स को छुआ तक नहीं उसने। मोबाइल यहां पड़ा है और छुट्टे पैसे वाला बटुआ वो भी यहां पड़ा है। इसीलिए तो मैं उसका इंतजार करता रहता हूं कि अभी लौट आएगी। बुरे बुरे ख्याल मन में आते हैं कि कहीं उसका एक्सीडेंट ना हो गया हो। बिलीव नहीं करोगे, रोज चेक करता हूं कि दिल्ली में कितने एक्सीडेंट केसेस रिपोर्ट हुए। कसम खा के कहता हूं यार। आपकी बेटी कहाँ है? नैनीताल में बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती है वो। क्यों? नहीं, आई मीन उसे बोर्डिंग स्कूल में क्यों रखा है, कोई खास वजह? अखबार पढ़ते हो? आए दिन जो लड़कियों के साथ, छोटी बच्चियों के साथ जैसी जैसी वारदातें होती रहती हैं। तुम्हारी अगर बच्ची होती ना तो तुम उसे इस शहर में नहीं पालते। इसीलिए जब तक मेरी माताजी जिंदा थी तब तक उनकी वजह से उसे बोर्डिंग स्कूल में नहीं डाला। पर जैसे ही उनकी डेथ हुई, पूजा को नैनीताल के बेस्ट बोर्डिंग स्कूल में दाखिला करा दिया। राधिका को यह डिसीजन पसंद नहीं था मेरा। पर मतलब क्या आपके झगड़े हुए इस बात पर? शुरुआत में कुछ महीने वो अपनी बेटी को मिस करती थी, जाहिर सी बात है। लेकिन फिर जब छुट्टियों में हम पूजा को मिलने गए नैनीताल, तो ये देखकर कि पूजा तो बहुत ही खुश है अपने स्कूल में, राधिका को कुछ तसल्ली मिली, चैन पड़ गया। गायब होने के पहले भी आप दोनों का किसी बात पे कोई झगड़ा हुआ था? नहीं। आपकी वाइफ को आपके अफेयर का पता था, मिस सुनंदा वर्मा के साथ? मेरे सवाल पर तनेजा के माथे पर शिकन आई, वो मेरी तरफ देखता रहा और बैठ गया। एक गहरी सांस लेकर बोला, हाँ, लेकिन इस बारे में हम 3-4 महीने पहले ही झगड़ चुके थे। मैंने माफी तक मांग ली थी राधिका से, अपनी माताजी की तस्वीर को हाथ लगाकर कसम खाई थी कि दोबारा मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। यार, मैं सच में राधिका को बहुत प्यार करता हूं, बड़ी इज्जत है उसके लिए मन में मेरे। अब वो फैंटम बाजी, आदमी तो देखो औरत से कमजोर ही होता है ना इन मामलों में, फिसल गया, होगी गलती, बैग जाता है ना बंदा। और वैसे भी अफेयर था, लव अफेयर नहीं था। और अपनी बच्ची की सौंख खा के एक बात बोलूं, मैं उस लड़की से फिर कभी मिला ही नहीं, और जो हुआ उसमें सुनंदा का भी हाथ था। या आजकल की लड़कियां जल्दी आगे बढ़ना चाहती हैं भाई, इतनी एम्बिशियस होती हैं। आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है तनेजा जी? ऊपर वाले की मेहर है भाई, केस पे केस आते हैं, कुछ बड़े केस जीते हैं तो रेपुटेशन बन गई है अब। आपने अपनी वाइफ को कभी काम क्यों नहीं करने दिया फिर? नहीं मतलब सुना है वो काफी पढ़ी लिखी हैं। PhD है लिटरेचर में, अंग्रेजी में बाबा। फैंटम पांडे, तुम तो वाकई अपना होमवर्क करके आए हो, इतने कम समय में काफी कुछ सुन लिया तुमने मेरे बारे में। जी, फैंटम यू ही नाम नहीं है मेरा, मेरी भी रेपुटेशन है। आई एम द बेस्ट, और ये बात मैं मानता हूँ और अपने क्लाइंट से भी मनवा लेता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ला मनना पड़ेगा भाई। ये तो आपने बताया नहीं, आप अपनी वाइफ को काम करने से क्यों मना करते रहे? वो क्या लगता है तुझे फैंटम, मैं पुराने ख्यालों का हूँ, टिपिकल मेल हूँ। मेरी माँ काम करती थी, किराने की दुकान चलाती थी, उसी ने मुझे पाला पोसा पढ़ाया। लेकिन जब एक औरत घर से बाहर निकल के काम करने जाती है ना, तो बात सेम टू सेम नहीं होती फैंटम बाजी। शादी करके लाया था उसे, राधिका के पिता ने मुझे अपनी अमानत सौंपी थी, अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी है कि नहीं? कल उसके साथ कोई ऊंच नीच हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, मैं खुद को सारी उम्र माफ नहीं कर सकता। तो फिलहाल उनके मिसिंग होने पर भी आप खुद को माफ नहीं कर पा रहे? अबे तो क्या उल्लू का पट्ठा हूं, सवेरे सवेरे जाकर रेस्टोरेंट में बैठे पी रहा हूं, बात करता है यार तू, मैंने गुस्सा ना दबा फैंटम। ठीक है तनेजा जी, बुरा मत मानिएगा, ये मेरा पेशा है, आई एम अ प्रोफेशनल, एक प्रोफेशनल होने के नाते मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। आपको डर है कि अगर राधिका जी नौकरी करने लगती तो शायद उनसे भी कहीं गलती हो जाती, वो भी बहक जाती? नहीं मतलब उनका भी कहीं अफेयर? ओए चुप हो जा, वरना मैं ना हाथ चख देना तेरे उत्ते। और तनेजा की इस रिएक्शन पर मैं खड़ा हुआ। थैंक यू तनेजा जी मेरे सवालों का जवाब देने के लिए। बस एक आखिरी सवाल,
आप जानते होंगे कि पुलिस के हाथ पर कुछ रख दो तो वे बेचारे अपना काम कुछ फुर्ती से कर देते हैं, लेकिन आपने इंस्पेक्टर श्याम सुंदर को फिर भी, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि इंस्पेक्टर श्याम सुंदर अपने सक्के से भी पैसा लेने से काम ना करे। आई एम एडवोकेट रमेश तनेजा, दिल्ली हाई कोर्ट, मेरी भी पहचान है उत्ते तक, डीआईजी अवस्थी मेरा फ्रेंड है फ्रेंड, श्याम सुंदर का बाप भी फुर्ती से काम करे। जी हाँ, एक हफ्ता तो हो ही गया है राधिका जी को गायब हुए। मैं समझ रहा हूं कि तुम क्या कह रहे हो, तो सोचेगा भी उस पर। एनीवे, फिलहाल इजाजत दीजिए, जल्द मुलाकात होगी, और अगर आपको कोई बात याद आ जाए जो मुझे जाननी चाहिए तो ये रहा मेरा मोबाइल नंबर। मैंने अपना मोबाइल नंबर एक चिट पर लिखा और उसे पकड़ाया और मैं घर से बाहर निकला। थैंक यू फैंटम, एंड वंस अगेन सॉरी, आई एम रियली सॉरी, ओ तुम पर चिल्लाया मैं। इट्स ओके वकील साहब। ये कहकर मैं बस नाम की दो सीढ़ियां बिल्डिंग की एंट्रेंस पर उतरा ही था कि मुझे कुछ याद आया। तनिया जी, एक्सक्यूज मी, एक मिनट। जब मैं आपके यहाँ आया था तो एक शख्स होगा 50-55 साल का आपकी डोरबेल बजा रहा था, लेकिन मुझे देखकर अचानक हड़बड़ाया और मुझे धक्का देकर यहां से भाग गया। मोटरसाइकिल पर आया था वो, DL11 ऐसा ही कुछ नंबर था। DL11 रोहिणी का आरटीओ कोड है, जनकराज होगा। लोगी तुम, कौन जनकराज? पिछले महीने उसका केस आया था प्रॉपर्टी का, कह रहा था मुझसे कोई प्रॉपर्टी हड़प कर रहा है, जबरदस्ती आधे पे कब्जा करके बैठा हुआ है, बाकी हथियाना चाहता है जितनी बची है प्रॉपर्टी। कोई गुज्जर था, उसके खिलाफ केस फाइल करवाया मुझसे, लेकिन उसके खुद के पास कोई सही कागज ही नहीं थे अपनी प्रॉपर्टी के लिए, तो केस हार गया। बस तब से मुझे दोषी ठहराता है, मुझे कभी धमकी देता है, कभी मुझ पर लानते भेजता है, टोना टोटका भी कर चुका है, गालियां देता है, फोन करता है अलग अलग नंबर से। पता नहीं क्या दिमाग फिर गया उसका, शराब तक देने लगा मुझे। कई बार पहले भी यहां घर पे आ चुका है, जब मैं डांट देता हूं तो फिर रोने लगता है। सर फिर गया साले का, समझ नहीं आ रही उसे। आपको लगता है कि आपकी वाइफ के मिसिंग होने से उसका कोई लेना देना हो, उस पर शक नहीं है आपको? वो एक चींटी नहीं मार सकता, मैंने कहा ना उल्लू की दुम है वो, किसी काम करी नखिद। उसका नंबर होगा आपके पास? एड्रेस? एड्रेस तो नहीं पता, क्योंकि वो केस हारने के बाद जाने का रह रहा है, पर हाँ नंबर आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ। थैंक यू फैंटम। पाजी मुझे ना बस अब तुमसे उम्मीद है, 10 दिन में मेरी बेटी की छुट्टियां हो जानी है और वो घर आएगी। राधिका को ढूंढ दो, और एक बात और, ऐसा नहीं है कि राधिका को मैं कुछ नहीं करने देता था, आजाद थी वो, आसपास के कुछ बच्चे तक पढ़ने आते थे उससे, और मैंने ही राधिका को कहा था कि देखो पढ़ा लो इनको पर फ्री ऑफ कॉस्ट, इनसे बच्चों से पैसे नहीं लेने तुमने। जी समझ रहा हूँ। मैं सर हिलाकर मुड़ा और निकला वहां से। जैसे ही बिल्डिंग से कुछ कदम आगे पहुंचा तो फिर मेरी अटेंशन कुत्तों के भौंकने पर गई। मैंने देखा वो कुत्ते वहीं उन्हीं गाड़ियों के इर्द गिर्द अब तक भौंक रहे थे, और तभी मेरी बगल से चौकीदार गुजरा हाथ में डंडा लिए। अब आप ही बताइए साहब, ये जंगली कुत्तों को हटाना का हमारा काम है, बार बार फोन करके कॉलोनी वाले हमें डांट रहे हैं, अरे बुलाइए नगर पालिका वाले को और पकड़वा दीजिए। लेकिन ये कुत्ते उन गाड़ियों के पास ही क्यों भौंक रहे हैं? अरे साहब होगा कोई चूहा बिल्ली मरा हुआ वहाँ, सफाई भी तो नहीं रखवा पाते यहाँ के लोग अपनी कॉलोनी के। ये कहता चौकीदार तो पहुंचा उन कुत्तों को हटाने, लेकिन मैं सोचने लगा कुत्ते कब मरे चूहे या बिल्ली पर भौंकने लगे। सो मैं उस बेचारे के पीछे पीछे वहां पहुंचा। कुत्ते चौकीदार के डंडे के डर से पीछे भी हट रहे थे, लेकिन भौंकना ना बंद करें और ना ही पलट कर चले जा रहे थे वहां से। ऐसा लग रहा था जैसे ये कुत्ते कुछ बता रहे हैं, इशारा कर रहे हैं। मैं पास पहुंचा तो देखा कुछ 4-5 गाड़ियां पार्क्ड थी उस तरफ, और उनमें से एक गाड़ी वैसे तो प्लास्टिक के कवर से ढकी हुई थी, लेकिन कवर के ऊपर बेहद धूल थी, बर्ड शिट एंड ऑल, और कवर के नीचे से जो गाड़ी के टायर झलक रहे थे वे
पंचर्ड थे। आगे का फेंडर एक तरफ से टूटा नीचे जमीन को छू रहा था। सो मैंने चौकीदार से पूछा, भाई ये गाड़ी खराब है क्या? कबाड़ है साहब, पता नहीं किसके दहेज के लिए बचा कर रखा है, यहाँ सफाई तक नहीं करवाते। देख लीजिए कितनी बदबू आ रही है। मैं गाड़ी के बिल्कुल पास पहुंचा और मुझे अपनी नाक कवर करनी पड़ी। बदबू भयानक थी और ये किसी मरे चूहे या बिल्ली की नहीं थी। मैंने एक हाथ से अपनी नाक पर हैंकी निकालकर होल्ड की और दूसरे हाथ से गाड़ी के कवर को उठाया, खींचा। चौकीदार को इशारा किया तो उसने भी हेल्प की। कवर को जमीन पे फेंक मैं गाड़ी के अंदर झांकने लगा और पीछे की सीट के नीचे एक लाश पड़ी थी, अ ह्यूमन डेड बॉडी। मैं पीछे हटा। क्या है साहब? लाश। लाश? राम 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 राम। जा जा पुलिस को बुला, फौरन भाग। चौकीदार एक क्षण के लिए इस कंफ्यूजन में रहा कि पहले खुद देख ले लाश को या पहले भागकर पुलिस बुलाए, और फाइनली उससे रहा नहीं गया तो आगे बढ़कर उसने लाश को देखा और तुरंत मुड़कर भागा। मैं भी एक पल के लिए सोचने लगा कि क्या मुझे यहां रुकना चाहिए या पुलिस के आने से पहले चुपचाप निकल जाना चाहिए। नहीं, क्या है ना कि कहीं ऐसा ना हो कि ये लाश किसकी है ये जानने की लालसा में मैं पुलिस वालों के चक्कर में फंस जाऊं। आप तो जानते ही हैं प्राइवेट डिटेक्टिव से पुलिस वाले बड़े चिढ़ते हैं। तो थैंक गॉड तभी मुकंदी का कॉल आया। हाँ मुकंदी। हेलो गाँव भैया, मैं यहाँ प्रसाद नगर पहुंच गया हूँ ना। ठीक है, मुझे कॉलोनी के झील के साइड वाले गेट पे मिल, मैं आ रहा हूँ। और मैंने फोन कट किया और कॉलोनी के दूसरे गेट से जो कि एक झील की तरफ खुलता था वहां से कॉलोनी के बाहर निकला। बिना मुकंदी से कुछ कहे मैंने रोड क्रॉस की और हम झील के गार्डन में एंटर हुए। झील के चारों ओर बढ़िया सा वॉकिंग ट्रैक था और कुछ कुछ दूरी पर बेंचेस बनी हुई थी। मैं बस एक बेंच पर जाकर बैठ गया, मुकंदी मेरे बगल में। हम बैठे ही थे कि मुझे एक मैसेज आया मोबाइल पर। ओ, तनेजा ने जनक राज का नंबर भेजा है। मैंने मुकंदी की तरफ देखा और आईब्रोज उचकाते हुए पूछा, क्या भैया? ये वकील है ना, बड़ा पहुंचा हुआ है, कानून का इस्तेमाल करना जानता है, केस पलटना, झूठे गवाह पेश करना, सारे हथकंडे आते हैं इसको, बड़ा माहिर है। वहां ना कोर्ट में ना एक बंदे से बात कर रहा था मैं, कोर्ट में प्यून है, अपनी पहचान का निकला, तो वो बता रहा था अभी इसने एक केस लड़ा था प्रॉपर्टी का, तो बीच केस में ही ना सामने वाली पार्टी से पैसे लेकर इसने ना क्या किया, केस पलट दिया, अपनी पार्टी को हरवा दिया हरम जिद्दे ने। इसकी पार्टी का नाम जनक राज था, रोहिणी में प्रॉपर्टी है। एग्जैक्टली, डेफिनेट। मैंने अपने मोबाइल की ओर देखा, सामने जनक राज का नंबर मुझे घूर रहा था और मैंने फौरन डायल किया। दो तीन बेल बजने के बाद, हेलो, कौन? नमस्कार जनक राज जी, मेरा नाम भीम सिंह है जी, और मैं भी बस आप ही की तरह साले वकील तनेजा के सताया हुआ हूँ। भाई जी आप साथ दो तो हम मिलकर हरामजादे को सबक सिखा दें। अरे हरामजादा ही नहीं, वो कुत्ता, कमीना, धोखेबाज और रिश्वत खोर है। अरे उसकी वजह से मैं सड़क पर आ गया हूँ, लेकिन भैया तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, भगवान के घर देर से ही अंधेर नहीं है। पता उसकी बीवी भाग गई है, लेकिन मैं बता रहा हूँ वो भागी नहीं है, तनेजा ने मार दिया है अपनी बीवी को, और जल्द पुलिस को भी पता चल जाएगा, यही नरक भोगेगा तनेजा। सही कहते हो आप भाई जी, गरीब सच्चे इंसान की हाय लेकर और कहाँ जाएगा वो। लेकिन भाई जी आपको यकीन है उसी ने अपनी बीवी का खून किया है? मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो भाई जी रिपोर्ट लिखवा दो ना पुलिस में, मैं चलूंगा आपके साथ। अरे पुलिस वाले कौन सा मेरे जैसे गरीब का विश्वास करेंगे, लेकिन मैं भी माता रानी के दरबार में मन्नत मांग कर आया हूँ, देख लेना माता रानी इसका सत्यानाश करेगी, देख लेना। जी बिल्कुल भाई जी, मेरी दुआ भी आपके साथ है भाई जी, ऐसा ही हो इस नीच के साथ। ठीक है भाई जी, बड़ा सुकून मिला आपसे बात करके, मेरा नंबर अब आपके पास है, कोई काम हो तो याद करना भाई जी, भीम सिंह नाम है, अब हम ही तो एक दूसरे के काम आएंगे ना, तो कौन आएगा। हाँ भैया, गरीब को गरीब का ही सहारा है। जी बिल्कुल भाई जी, ठीक है भाई जी, फिर नमस्ते, प्रणाम। मैंने फोन कट किया और शिट, उसका पता पूछना भूल गया। मुकंदी,
किसी तरह भी इस बंदे का ठिकाना पता निकाले और इस पर नजर रखवा। अब ये गायब नहीं होना चाहिए। ठीक है भैया, लेकिन बोला क्या ये? पता नहीं सच बोल रहा था या अपने मन की भड़ास निकाल रहा था, लेकिन इसने कहा कि इसने अपनी आंखों से तनेजा को अपनी बीवी का खून करते देखा है। फैंटम पांडे का दिलचस्प केस मासूम मौत के लेखक और निर्देशक हैं सत्यम त्रिपाठी, संगीतकार वरुण राव, और इसे पेश करने वाले कलाकार थे कार्तिक सीतारामन, तृप्ति खामकर, चारु गुप्ता, शेली, श्याम रावत और सत्यम त्रिपाठी एज फैंटम पांडे। जरूर सुनिएगा फैंटम पांडे का दिलचस्प केस मासूम मौत का तीसरा भाग, सिर्फ बुक माई शो जूक बॉक्स पर। इस प्रोग्राम के निर्माता हैं IVM Podcasts।